अभी मैं हूँ लखीसराय जिले का पटना मुंगेर मुख्य मार्ग क्यूल मोड़ के पास एक बहुत ही शानदार लखीसराय जिले का गौरव क्यूल मोड़ के निकट होटल बुद्धा रेसिडेंसी के प्रांगण में हूँ। उसका ये देखिए पोर्टिको है और मैं हमारे साथ होटल बुद्धा रेसिडेंसी के ऑनर है प्रेम सागर चौधरी जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये मुंगेर प्रमंडल का बहुत ही शानदार और गौरवशाली ये होटल जो NH पर है, राष्ट्रीय मुख्य मार्ग पर है, पूछना चाहता हूँ उनसे कि जब ये होटल की स्थापना की तो उनके मन में क्या आया। धन्यवाद। पहले तो मैं DTB को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे होटल को इस लायक समझे कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर इस होटल के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग हाईवे से काफ़ी सफ़र किए हैं, हाईवे के द्वारा हम लोग दिल्ली, राजस्थान, कलकत्ता, बहुत जगह हम लोग सफ़र किए। देखिए कि हाईवे पे खाने का भी अच्छा अच्छा होटल है, ठहरने का भी अच्छा अच्छा होटल मिलता है, मगर बिहार में इस चीज़ की कमी है। हम लोग जो है अभी देख लीजिए, भागलपुर से पटना तक आप हाईवे पे उठा के देख लीजिए तो खाने का होटल आपको मिलेगा, मगर आपको ठहरने का एक भी अच्छा जो है व्यवस्थित तरीके से एक भी अच्छा होटल आपको हाईवे पे नहीं मिलेगा। तो मेरे मन में यह बात था कि हाईवे पे लोग सफ़र करते हैं, रात में सफ़र करते हैं, उनको ठहरने की आवश्यकता होती है, और ऐसे भी आपको ये ज़िले में होटल की काफ़ी कमी थी। हमारे कई गेस्ट आते थे या बाहर से लोग आते थे तो बोलते थे लखीसराय में रुकना है, वैसा जगह रुकवाइए जहाँ की पार्किंग की सुविधा हो, बढ़िया हवा हो, बढ़िया स्वच्छ वातावरण हो, और बढ़िया कम से कम जो है होटल ऐसा व्यवस्थित हो जो कि रुकें तो लगे कि एक अच्छा जगह पे हम लोग रुके हैं। मगर हम लोग उनको नहीं बता पाते थे कि भाई फलाना होटल चले जाइए या फलाना होटल चले जाइए, क्योंकि वहाँ वो फैसिलिटी नहीं था। तो हमारे मन में आया कि हमको एक ऐसा होटल बनाना है जिसमें कि लखीसराय अगर लोग आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हमको होटल में ठहरना है, तो उनको वैसा होटल मिले ताकि वो गर्भान्वित महसूस हो के इस होटल में रुकने के बाद उनका जो फीडबैक हो वो लगे कि नहीं हम कहीं दिल्ली बम्बई में रुके हैं। यही सोच के साथ हम ये होटल बनाए। धीरे धीरे जब स्टार्टिंग किए तो इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं था, मगर धीरे धीरे हिम्मत को जुटाते हुए अपना शानदार होटल जो है बनाने का हमने काम किया है। और लखीसराय को एक समझ लीजिए कि एक बहुत ही बड़ा तोहफा है ये होटल। कितने कमरे का है और क्या क्या सुविधाएं हैं? ये होटल जो है अभी तो फिलहाल हम स्टार्टिंग में 11 कमरा का बनाए हैं और सारे रूम जो है मतलब कि बड़ा रूम है सारा, तो आप लोग देखे ही हैं सारा रूम बड़ा बड़ा है, 3 आदमी 4 आदमी आराम से सो सकता है, ट्रिपल बेड का सारा रूम है, टोटल 11 कमरा है। एक बहुत बड़ा मैरिज हॉल है, मैरिज हॉल में सारा चेयर टेबल फुल्ली AC है, नीचे हमारा काउंटर से लेके ऊपर सारा रूम, मैरिज हॉल सारा चीज़ जो है कंप्लीट फुल्ली AC है। और ऐसा नहीं है कि ये इतने शानदार होटल है, इतना बड़ा होटल है, AC है, इतना बड़ा बड़ा रूम है, मैरिज हॉल है, तो इसमें VIP लोगों का ही मतलब सिर्फ होगा और ये और आम लोग इसमें नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं है। सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए ये होटल का प्राइस तय किया गया है। ये होटल का रूम का प्राइस है फुल्ली AC 1500 रुपया 24 आवर्स का। हमारा चेक इन टाइम चेकआउट टाइम 24 आवर्स का है, 12 बजे दिन से 12 बजे दिन तक। और मैरिज हॉल अगर ये कोई पूरा होटल बुक करते हैं, 11 रूम, मैरिज हॉल, नीचे पार्किंग, खाना बनाने का किचन, खाना का जो बर्तन वगैरह है या टेबल कुर्सी सारा चीज़ हम लोगों का रहेगा, 51,000 रुपया इसका चार्ज हम लोग रखे हैं। और अगर कोई हॉल सिर्फ बुक करते हैं तो उसका 31,000 रुपया है, कोई एक हॉल एक फ्लोर बुक करेंगे तो 41,000 रुपया है, और एक रूम का 1500 रुपया है। इसका कंपेरिजन लोग करते हैं, यहाँ बहुत सारे कस्टमर आए, विजिटर आए, विजिट करके गए तो वो बताते हैं कि हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, लखीसराय में और भी होटल हैं और भी ऐसे जगह हैं जो कि हम ये नहीं कहेंगे कि उनके पास कुछ व्यवस्था नहीं है, मगर ऐसा व्यवस्था और ऐसा वातावरण वहाँ नहीं है। लाखों लाख रुपया लोग चार्ज रखे हुए हैं, लोग दे भी रहे हैं, लोगों के पास मजबूरी है, मगर हमारा एकदम सीमित प्राइस है, 51,000 रुपया हम लोग रेट रखे हुए हैं। उसमें सारा जनरेटर से लेकर लाइटिंग, सारा लाइट खूबसूरत मतलब जितनी व्यवस्था हो पाएगी सजावट में सारा व्यवस्था हमारे पास अवेलेबल है। आपका स्टेज है, जयमाला का स्टेज है,
उस पर झूमर वगैरह सारा चीज़ जो है इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगवाया गया है। इसलिए व्यवस्था में कोई कमी नहीं किया गया। देखिए पोर्टिको है, ये पोर्टिको है, सामने एक पोर्टिको है, इस पर आराम से जो है 150 आदमी जो है अगर बारात आते हैं, ऊपर हम लोग जो है रखे हैं इस मैरिज हॉल के अलावा, ऊपर जो है हम लोग जो है खाना खाने के लिए शादी के मरवा वगैरह के लिए सारा ऊपर चाहेंगे तो ऊपर भी हम लोग उनको मतलब एक प्रकार से मान के चलिए कि अंदर भी एसी और बाहर भी अगर लोग बैठते हैं तो एसी से ज़्यादा आनंद जो है हमारा पोर्टिको में भी अगर लोग बैठते हैं तो वहाँ भी मिलेगा। चारों तरफ हरियाली है, कहीं से भी किसी भी प्रकार का गंदगी नहीं है, चारों तरफ माहौल। ये हमारा जो हाईवे पे ही मान के चलिए कि NH80 हाईवे पे है, क्यूल जंक्शन यहाँ से मात्र देखिए सामने दिख रहा है, क्यूल जंक्शन यहाँ से मात्र जो है 1.5 किलोमीटर है, 5 मिनट में क्यूल जंक्शन जा सकते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर में आप जो है लखीसराय स्टेशन जा सकते हैं, लखीसराय मार्केट जा सकते हैं। हाईवे का तो खैर कोई बात ही नहीं, 24 आवर्स हमारा होटल जो है लखीसराय और बिहार देश के तमाम लोगों के लिए सेवा देने के लिए तत्पर है, तैयार। वाकई में शांति का दूत भगवान महावीर बुद्ध के नाम से यह जो होटल है, जो संस्था है, वाकई में बहुत ही आकर्षक और सुंदर है और वाकई में लखीसराय जिले के लिए गौरव की बात है। सरफराज आलम, DTV भारत, लखीसराय।